Hello viewers, welcome back to my channel, Be Creative with Shifta. Diwali नज़दीक आ रही है और आपके घर में सफाई भी शुरू हो गई होगी। दिवाली की सफाई में ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ओल्ड CDs, न जाने क्या क्या निकलता है। बस इन्हीं वेस्ट चीज़ों को बेस्ट चीज़ों में बदलने के लिए मैं आपके साथ आज कुछ क्रिएटिव आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ। इससे पर्यावरण की भी मदद हो जाती है और चीज़ें भी रिसाइकिल हो जाती हैं। मुझे घर में ही अवेलेबल चीज़ों से क्रिएटिविटी करना बेहतर पसंद है। तो आज ऐसी ही कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इन नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। आज मैं आपके साथ 4 टाइप्स ऑफ बॉटल आर्ट शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। बेहद आसान है, बहुत सुंदर बनता है, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए देर नहीं करते हैं। हमारी पहली बॉटल आर्ट के लिए हमें चाहिए कुछ ग्लास बॉटल्स, कोई भी शेप की आपके पास ग्लास बॉटल्स हों, और ब्लैक एक्रेलिक कलर। या तो आप ब्रश से लगा सकते हैं या स्पॉन्ज से लगा सकते हैं। एक कोट सूखने के बाद सेकंड कोट अप्लाई ज़रूर करें फिनिशिंग आने के लिए। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे फिनिशिंग परफेक्ट आती है। और उसे सूखने के लिए 2 घंटा रख दें। तब तक हम अपना सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप के लिए हम मैंने CD और DVD, जो भी मेरे घर में ओल्ड CD DVD अवेलेबल थी, हॉट वाटर में 15 मिनट के लिए सोक कर दी। अभी पानी ठंडा हो गया है, मैंने CD और DVD निकाल लिया है। DVD में 2 लेयर्स होती हैं, उसको हम बीच से स्प्लिट करके अलग कर सकते हैं नाइफ या सीज़र की सहायता से। तो हमको फिर CD का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको कट करना आसान हो जाता है। और CD में एक ही लेयर होती है, उसको भी आप वाइप करके डायरेक्ट कट कर सकते हैं, वो अलग नहीं होती है, थोड़ा हार्ड होता है उसको कट करना, बट हो जाता है। आप अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैंने ट्रायंगल शेप्स काटे हैं, छोटे बड़े मिक्स शेप्स। ये देखिए मैं कितना इजीली कट कर रही हूँ, क्योंकि DVD में वो प्लास्टिक की लेयर निकल गई तो वो बहुत ही पेपर जैसा हो गया है। अब हमारे सारे पीसेस रेडी हैं। फेविकॉल के हेल्प से मैं बॉटल में उसको स्टिक करती जाऊंगी। अगर आपके पास CD नहीं है तो आप बाहर मिलते हैं जो मिरर्स, उनको भी आप स्टिक कर सकते हैं। बट मैं चीज़ों की रिसाइकिल पे बिलीव करती हूँ, जो घर पे ही अवेलेबल सामानों से हो जाए, इसीलिए मैं ओल्ड CD को यूज़ किया। Thank you.
Thank you.
होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू रियली लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. और ये क्रिएटिविटी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.